सोचिए, क्या आप अपने ड्राइंग रूम में बड़े आराम से टांग पर टांग चढ़ा के कॉफी गर्मा गर्म का आनंद उठा रहे हैं। ठंड का मौसम है, बाहर ठंड पड़ रही है। आप सोच रहे हैं कि भाई जिंदगी इससे खूबसूरत और कैसे हो सकती है, और अचानक से एक शख्स आता है, वो कहता है कि आप तो मर चुके हैं। आप कैसे साबित करेंगे कि आप जिंदा है? आपके पास प्रूफ क्या है कि आप जिंदा है? आप बोलेंगे कि भाई मैं तो जिंदा हूं, मैं यहां बैठा हूं। ऐसे ही धनबाद में रहती है सुगावती देवी। सुगावती देवी कंफ्यूज है कि वो जिंदा है या फिर मर चुकी है। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बात है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और सोचिए कि ऐसी हालत अगर आपकी हो तो आप क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे आप कि आप जिंदा हैं? ये रिपोर्ट देखिए। मुआवजा का घोटाला, जीएम सिजुआ पर खड़े हुए सवाल, भू संपदा अधिकारी खान पर भी सवाल, पूर्व सीओ पर भी सवाल, फर्जी वंशावली के सहारे घोटाला, जिंदा महिला को बता दिया मुर्दा, कृष्ण महला इस घोटाले की धुरी। क्या नाम हुआ आपका? सुगापति देवी कुंती। पिताजी का नाम? नंगू मल्ला। दादाजी का नाम? ननकू मल्ला। ननकू मल्ला का कितना बेटा? तीन बेटा। क्या नाम है बेटा का? काली मल्ला। और? गांगू मल्ला। और? पाचू मल्ला। बेटी? पचिया। पांचू मला का लड़का क्या नाम हुआ? कृष्णा। कृष्णा क्या? चचेरा भाई है। अच्छा, क्या किया आपके साथ में? अन्याय किया। कृष्णा मला? हाँ। इधर देख के बोलिए। हाँ। क्या बोलता है? कि नहीं देंगे। क्या चीज नहीं देंगे? मेरा जमीन को पैसा देना नहीं चाहता है। अच्छा, तो क्या कर रहा है अभी? वो अपना दारू शराब पीता है, मौज करता है, हम सर भूखा मर रहे हैं। अच्छा, भूखा मर रहे हैं। तो कहीं केस किए थे? हाँ, लेवा थाना में किए थे। आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे। जीएम को भी दिए थे? जीएम के भी दिए थे। तो मैंने सबको दिए? सबको दिए। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो क्या चाहते हैं आप? उसको जेल देना चाहते हैं? मेरा आप लोग कार्रवाई कीजिए। आपको अपना हक मिलना चाहिए। आप लोग करिएगा तो हमको जरूर मिलेगा सर। अच्छा ठीक है, इलाहाबाद थाना कुछ नहीं कर रहा? इलाहाबाद थाना कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, एसपी को आवेदन दिए थे? हाँ दिए थे। डीसी साहब को भी आवेदन दिए थे? दिए थे। मैंने सब जगह दिए? सब जगह दिए। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं? मुख्यमंत्री के भी दिए हैं। डीजीपी को भी दिए हैं? हाँ डीजीपी को दिए हैं। मैंने सबको दिए? सबको दिए। और वो घूम रहा? घूम रहा है। कुछ नहीं हो रहा उस पर? कुछ नहीं कर रहा सर। अच्छा ठीक है, आपके साथ इंसाफ होगा। हाँ सर, आप लोग करिएगा तो जरूर होगा। ठीक है, हम भूखा मर रहे हैं, आप लोग करिएगा तो हो सकता है। ये महिला सुगावती देवी है। सुगावती सवालों के जवाब दे रही है, वो सबूत भी पेश कर रही है कि वो जिंदा है। अब आपको बताते हैं हुआ क्या है। सुगावती देवी को जमीन के एवज में मुआवजा मिलना था, पर उनके चचेरे भाई ने फर्जी वंशावली बनाई। फर्जी वंशावली में उनकी मदद अधिकारियों ने की, करोड़ों का मुआवजा मिला, सब उनका चचेरा भाई डकार गया। सुगावती को मृत दिखा दिया गया। अब जब सुगावती कह रही है कि वो जिंदा है तो कोई मान नहीं रहा। आप तय कीजिए सुगावती जिंदा है या नहीं। सुगावती के मामले की जांच एसीबी क्यों नहीं कर रही? आरोप है कि जीएम ने करोड़ों की घूस ली, तो क्या इसी कारण इस मामले की जांच नहीं हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। आप सोचिए कि ये औरत जो बोल रही है, बता रही है कि भाई मैं जिंदा हूं, मेरे हक का मुआवजा मार लिया गया है किसी ने, जीएम साहब की मिलीभगत के बगैर क्या ये संभव है? भू अर्जन पदाधिकारी के मिलीभगत के बगैर क्या ये संभव है? क्या सीओ के मिलीभगत के बगैर संभव है? अगर ये हुआ है तो, और सबसे बड़ा भाई जो सवाल है वो सवाल ये है कि अगर ये सुगावती आरोप लगा रही है तो इसके आरोपों की जांच क्यों नहीं हो रही है? आरोप लगाने वाले रत्नेश कुमार, जो सुगावती की आवाज को
हम तक पहुंचा रहे हैं वो रत्नेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रत्नेश कुमार के बारे में बता दें कि जिलाध्यक्ष वो पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के। तो रत्नेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और रत्नेश से हम फोन के जरिए जुड़ते हैं। हम समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि रत्नेश पूरे मामले को समझाइए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हम समझने की कोशिश करते हैं। रत्नेश मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी। पूरा मामला समझाएं रत्नेश। ये मामला एरिया 5 का है, ये घोटाला का है। जी। बोलते जाइए पूरा मामला समझाएं। ये मामला एरिया 5 का है। ये हरे कृष्ण मला फरजा वंशी बलि बनाकर और जीएम से मिलकर, आतुतुष द्विवेदी से मिलकर और रूप संपदा पदाधिकारी क्यू खान से मिलकर और इन लोग एक मोटा रकम लेकर और जबरन ये सुगापति देवी का हक को मारते हुए हरे कृष्ण मला को 1,34,00,000 रुपए का पेमेंट इन लोग कर दिए। 1,34,00,000 रुपए का भुगतान हुआ है? जी, 1,34,00,000। हाँ, 1,34,00,000 रुपए का भुगतान जबरदस्ती कर दिए। ठीक है। जबकि सुगापति देवी ने आवेदन भी दिया बीसीसीएल अधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, सारे लोगों को, ये सर्जरी है, ये पेमेंट को रोका जाए। बाकी आशुतोष द्विवेदी बीसीसीएल के महाप्रबंधक ने तानाशाही रवैया को अपनाते हुए ये पेमेंट कर दिए। बोले कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, ये पेमेंट हम करेंगे। ये बीसीसीएल की बहुत बड़ी साजिश है और ये महिला को जो है जीवित महिला को मृत घोषित करके और जीओ और जो कर्मचारी आकर और जो है प्रजरी वंशावली बनाए और उसमें गांव वाला से विटनेस भी नहीं लिए और हरे कृष्ण मला के खातम खास लोगों से विटनेस लेकर और फर्जा बंसली बनाकर और पेमेंट कर दिए। जो कि ये बीसीसीएल के तानाशाही रवैया को देखते हुए मैं मांग कर रहा हूँ या उस द्विवेदी और यू खान पर और हरे कृष्ण मला पर को भी मैं आवेदन दिया हूँ, एसपी महोदय को भी मैं दिया हूँ, डीसी महोदय को भी दिया हूँ। ये तीनों पर जलसाद का केस हो और ये जल्द से जल्द ये सलाखों के पीछे इनको भेजा जाए और सुगापति देवी का जो हक है वो इसको मिलना चाहिए। चलिए रत्नेश आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप समझ सकते हैं, देखिए 1,34,00,000 रुपए का मुआवजा मिलना था, बहुत बड़ी रकम है ये। कृष्णा मल्ला जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सुगापति देवी के चचेरे भाई हैं, क्या मैं सही हूं रत्नेश? जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बातों को। जी, तो कृष्णा मल्ला जिन्होंने फर्जी वंशावली बनाई और सुगापति देवी को मरा हुआ घोषित कर दिया उस वंशावली के तहत। जी, उनको मृत घोषित कर दिया जबकि सच्चाई है ये सुगापति देवी अभी जीवित है और ये मुआवजा का वो पूरा हकदार है। अच्छा, और सुगापति देवी की फाइनेंशियल कंडीशन, अगर उनके आर्थिक स्थिति की बात करें या उनके परिजनों की बात करें, क्या उनके कोई परिजन है और उनके आर्थिक स्थिति कैसी है? क्योंकि जिस तरीके से हम अभी फिलहाल उनकी स्थिति देख रहे थे तो उनको सांस लेने में भी शायद कठिनाई है। उनका अभी हस्बैंड का 1-2 महीना पहले मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद ये भी महिला एक पीड़ित हो गई है, एक बीमारी से जूझ रही है। इसकी आर्थिक कंडीशन घर का बहुत खराब है। ये कैसे इसका बेटा एक है धर्मेंद्र कुमार, वो कैसे कैसे करके घर को चला रहा है, पोषण पालन कर रहा है, अपनी माँ को देख रहा है और हरे कृष्ण मला पैसा को हड़प कर खुले आम घूम रहा है और पैसा से हर एक जांच को मैनेज करने में लगा हुआ है। क्या आप जीएम के पास गए थे इस मामले को लेकर के? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी इसे लेकर के? वो प्रतिक्रिया क्या बोले सर? जीएम से क्या आपने मुलाकात की? सुगापति जी ने क्या जीएम से मुलाकात की? सुगापति देवी उसका बेटा जो है खुद जीएम के पास आवेदन ले जाके दिया और मिलने का कोशिश किया। जीएम ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए चेंबर से धक्का मार के निकलवा दिया और उन्होंने खुद बोला कि जाइए जहाँ जाके कंप्लेन करना है कीजिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पेमेंट करेंगे। क्योंकि ये सीओ का
जो है प्रमाण मिला है उसके आधार पर पेमेंट का इच्छा पेमेंट कीजिएगा ना, ये है कि साजिश करके पेमेंट किया गया है। जब 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 ये वंशावली बनी थी उस समय उस जगह के सीओ कौन थे, कौन सा अंचल लगेगा ये? धनबाद, वो धनबाद के सीओ थे। धनबाद पहले था, अभी कुटकी अंचल हो गया, बाकी उस टाइम में जो है वंशावली जब बना था जी, तो धनबाद के पूर्व सीओ थे, धनबाद के ही सीओ और उनका कर्मचारी मिली भगत की ये जो है वंशावली सर्जरी तरीका से बनाया गया। तो आप समझिए कि इस मामले को कि हो सकता है सुगापति के आरोप गलत हो, हो सकता है सही हो, हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझना यह है कि एक औरत है, एक ऐसी औरत है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, एक ऐसी औरत है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो औरत एक आरोप लगा रही है, उसने मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, एसएसपी को, डीसी को, सबको इस मामले में संज्ञान लेने का जो है रिक्वेस्ट की हुई है। जिस तरीके से अभी रत्नेश बता रहे हैं कि भाई इस औरत को और उसके बेटे को धक्का लगा करके और भगा दिया है, अगर जीएम ने, अगर इस तरीके की बात है तो ये जल जंगल और जमीन की सरकार है, यहाँ के स्थानीय लोगों की सरकार है, और इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को ये संज्ञान मिलेगी, इस महिला को, सुगापति देवी को इंसाफ की हम गुहार लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अमानवीय कार्य करने वाले, चाहे वो जीएम साहब हों, चाहे वो पूर्व सीओ साहब हों, चाहे वो कृष्णा मल्लाह साहब हों, ये जितने लोग हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर इस मामले की जांच नहीं होगी और जांच के बाद कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम इस खबर में कई और तथ्यों को दिखाते रहेंगे, लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे, क्योंकि ये एक आम आदमी की आवाज है, एक ऐसा सच है जो दबा हुआ है, और हमारी भी प्रतिज्ञा यही है कि अगर सच है तो दिखेगा, और हम एक सच दिखा रहे हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, जो प्रशासन को इस मामले में जांच करनी पड़ेगी। चलिए रत्नेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस मामले को सामने लेकर के आए हैं, सच क्या है, हम इसकी रिक्वेस्ट जो है वो प्रशासन और सरकार से करते हैं कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाए, इस मामले की तुरंत जांच की जाए, क्योंकि एक ऐसी महिला जिसे जिसकी हालत बहुत खराब है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उसके सामने ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, अगर जीएम साहब इस समय मिले हुए हैं तो जाहिर सी बात है जीएम साहब की पहुंच बहुत ज्यादा है, अगर पूर्व सीओ साहब मिले हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, अगर कृष्णा मल्लाह मिले हुए हैं तो 1,38,00,000 के मुआवजे के बाद वो भी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। लेकिन सुगापति, आप चिंता ना करिए, न्यूज 11 भारत आपके साथ है, और आपको हम इंसाफ दिला करके रहेंगे, और सरकार आप इंसाफ देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप इंसाफ देंगे, आपने हमेशा साबित किया है कि आप आम लोगों की सरकार है, और इस बार भी आप साबित करेंगे कि आम लोगों की सरकार आम लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। इस बार सिर्फ आदेश नहीं होगा बल्कि जांच होगी, और जांच के नतीजे आएंगे, और जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, एक कड़ा संदेश जाना चाहिए।